अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इस लाइन का मतलब ये है कि एक खूबसूरत चीज को कभी भी देख लो, उसकी खूबसूरती हमेशा आपको जॉय ही देगी, खुशी ही देगी। कभी ऐसा नहीं होता जब हम बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, बहुत ज़्यादा निराश होते हैं, तो अगर हम किसी ब्यूटीफुल चीज़ को देखें तो और ज़्यादा हमारी निराशा बढ़ जाए या फिर हम और ज़्यादा इरिटेट हो जाएं, ऐसा नहीं होता, बल्कि उसको देखने से हमारी निराशा कम ही होती है। इसलिए ये ब्यूटी जो है ये गॉड की तरफ से एक गिफ्ट है, एक अमृत की तरह है, जिसको देखने से खुशी मिलती है। अगर बहुत ज़्यादा दुखी हो कोई तो एक बच्चे की हंसी को ही देख ले तो वो भी एक ब्यूटी है। उसकी अगर किसी की स्माइल को देखकर चेहरे पर स्माइल आ जाए तो वो भी एक ब्यूटी है। ये लाइन कही थी जॉन कीट्स ने अपनी पोएम एंडेमियन में। दोस्तों इसकी कुछ लाइनें मैं आज डिस्कस करूंगा एंडेमियन पोएम की, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इसको लेकर एक पोएम बनाई गई है कुछ लाइनों की। शुरुआती कुछ लाइनों को डिस्कस करेंगे, बहुत ही खूबसूरत पोएम है। दोस्तों शुरू करते हैं। इस पोएम को डिस्कस करने से पहले इसका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। ये जो ओरिजिनल पोएम है ये बेस्ड है एक ग्रीक माइथोलॉजी पर। एक शेपर्ड था एंडीमिन नाम का, उसको डायना से बहुत प्यार था। उसी की तलाश में वो एक अर्थली मेडन से प्यार में पड़ जाता है, मतलब एक लड़की जो कि अर्थ पर रहती है उससे प्यार में पड़ जाता है, और बाद में वही अर्थली मेडन डायना निकलती है। तो ये ग्रीक माइथोलॉजी है जिस पर यह पोएम एंडीमिन जॉन कीट्स ने लिखी थी। अब अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, शुरू करते हैं। A thing of beauty is a joy forever। इस लाइन का मतलब ये है, इसकी शुरुआती लाइनों में कीट्स बोल रहे हैं कि एक ब्यूटीफुल चीज़ की ब्यूटी हमें एंडलेस जॉय देती है। एंडलेस जॉय का मतलब वो जॉय जो कभी ख़त्म नहीं होता, कभी फेड नहीं होता, इसलिए जॉय forever बोला है। हमेशा रहता है वो, कभी फेड नहीं होता। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, उसकी लवलीनेस हमेशा बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती है। इंक्रीज का मतलब बढ़ना। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, मतलब इस लाइन का मतलब है कि ब्यूटी, वो ब्यूटी टाइम के पास होने के साथ खुद भी गुजर नहीं जाती बल्कि और ज़्यादा ब्यूटीफुल होती जाती है। अब ये पास इनटू नथिंगनेस एक फ्रेज है दोस्तों, इसका मतलब ये है इट विल नेवर सीज टू एग्जिस्ट बट विल कंटिन्यू टू हैव अ लास्टिंग इम्प्रेशन, मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होती ब्यूटीफुल चीज़ की ब्यूटी, कभी ख़त्म नहीं होती, उसका लास्टिंग इम्प्रेशन बना रहता है, टाइम गुजरने के साथ साथ वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल होती जाती है। अब नेक्स्ट लाइन्स में वो बोलते हैं बट स्टिल विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, मतलब इस लाइन में बावर, बावर का मतलब एक शेडी ट्री, यहाँ पर छाया देने वाला पेड़ बोल रहे हैं। यहाँ पर पॉइट के लिए वो ब्यूटी एक ब्यूटीफुल शेडी ट्री की तरह है, छाया देने वाले पेड़ की तरह है जिसकी छाया के अंदर सारे क्रीचर सो सकते हैं पीसफुली, लंबी लंबी सांसें लेते हुए, स्वीट ड्रीम्स को देखते हुए सो सकते हैं। और इसलिए देयरफॉर का मतलब इसलिए, ऑन एवरी मॉरो, मॉरो का मतलब मॉर्निंग, हर सुबह जब हम उठते हैं अपने बिस्तर से, अपने बेड से, आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। इस लाइन का मतलब ये है, पॉइंट यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब हर सुबह हम लोग उठते हैं बिस्तर से तो वो ब्यूटी ही होती है, वो ब्यूटी होती है हमारे अंदर जो हमारे अंदर जीने की इच्छा बढ़ती है, जो इस अर्थ से हमको बांध के रखती है एक फ्लावरी बैंड से। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस का मतलब, यहाँ पर डिस्पोंडेंस का मतलब है मायूसी, ग्लूमीनेस, डिस्पोंडेंस का मतलब ग्लूमीनेस, इतनी सारी निराशा, इतनी सारी ग्लूमिनस होने के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल ऑफ आवर डार्क स्पिरिट्स। इन लाइनों का मतलब ये है कि आसपास इतनी ग्लूमीनेस, इतना सैड माहौल होने के बावजूद वो हमारे जीने के डिज़ायर्स को बिल्ड करती है। हमारे आसपास का माहौल जब सैड होता है, जब हमारे आसपास अच्छे लोग नहीं होते, तो उस ब्यूटी के बिना ये अर्थ बिल्कुल ख़राब लोगों से भर जाएगी, मतलब सैड और ग्लूमी मोमेंट्स ही होंगे यहाँ पर, सिर्फ ख़राब लोग होंगे यहाँ पर इस अर्थ पर। और इस ब्यूटी को गॉड ने बनाया है, हमारे लिए बनाया है, ताकि वो ब्यूटी हमको उन सब डार्क स्पिरिट से दूर रख सके। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट लाइन्स में पोएट यहाँ पर उन ब्यूटीफुल चीज़ों के नाम बताते हैं जिनकी वो यहाँ पर बात कर रहे हैं, सच द सन, द मून, मतलब सन मून, ओल्ड और यंग ट्रीज, फ्लावर्स, डेफोडिल्स फ्लावर्स और रिवर्स, ये सब चीज़ों के बारे में बताते हैं पोएट यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों क्लियर रिल्स का मतलब है साफ नदियाँ, रिल्स का मतलब नदियाँ, ये जो वर्ड है बून इसका मतलब है ब्लेसिंग, वरदान टाइप का। तो ये सारी चीज़ें धरती पर हमें रहने वाले सारे क्रिएचर्स को ब्लेसिंग्स की तरह मिली है, वरदान की तरह मिली है। वो आगे बोलते हैं कि ये जो पेड़ पौधे जो हमको छाया देते हैं, फूल पत्ते जो हमें ब्यूटी देते हैं, और ये रिवर जो हमें समर के हॉट सीजन में ठंडक देती है, ये सारी ब्यूटी हमें वरदान की तरह मिली है, किसी वरदान की तरह मिली है। और आगे वाली लाइनों में पोएट ज़्यादा खूबसूरत चीज़ों के बारे में बताते हैं जो अर्थ पर प्रेजेंट है, जैसे कि मस्क रोज जिनमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, और माइटी वॉरियर्स के बारे में बताते हैं। माइटी वॉरियर्स मतलब जाबाज सिपाही जो अपनी कंट्रीज या ह्यूमैनिटी के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। वो बोलते हैं कि ये सारी ब्यूटीफुल चीज़ें गॉड की तरफ से हम लोगों के लिए एक गिफ्ट है, जैसे ऊपर वाले ने हमें अमृत दे दिया हो, एक एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, मतलब अमृत की तरह। इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब होता है अमृत, इमॉर्टल का मतलब अमर, ठीक है। और ये जो लास्ट लाइन है पावरिंग अन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, इसका मतलब ये है कि ये हमें जीने के लिए रीज़न देती है, इतनी सारी तकलीफ़ों के बीच में हमें जीने की इच्छा देती है ये ब्यूटी। दोस्तों यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।